पूर्व केन्द्र बंगोपसागर में सृष्टि होता लघुचाप क्षेत्र आगामी 12 घंटे अधिक घनीभूत हो गभीर अवपात में परिणत होवार संभावना अछि। गत 6 घंटे यह 14 किलोमीटर बेगरे उपकूल मुहां हेउछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दिया जाइछि अवपात एबे गोपालपुर ठारु पूर्व व दक्षिण पूर्व को 580 किलोमीटर दूर से अवस्थित रही। तेबे कलिंग पतनर पूर्व को 660 किलोमीटर दूर से यह केन्द्रीभूत होसंता का संध्यार दक्षिण ओडिशा व उत्तर ओडिशा व उत्तर आंध्र प्रदेश दे यह अतिक्रम कर संभावना रही। बात्या गोपालपुर व विशाखापाटना दे अतिक्रम करपे यार प्रभाव में राज्यर केतेक अंचल आज 28 तारीख भितर प्रबल वर्षा हो पारे। प्रबल वर्षा बन्या को आखि आगे रखि प्रभावित होगाक जिलार जिलापाल सतर्क सूचना जारी कर स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना। वर्षा और यार परवर्ती स्थिति बन्या भूस्खलन पवन जनित क्षयक्षति सजग रही निर्देश देते। स्थिति रोचे मुख्यतः भाव गत कालीर जो घूर्णिबलय था बंगोपसागर अंचल ता आज पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल प्रभाव में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि जहाँ अनुमान कर आगामी 12 घंटे यह आहरी घनीभूत होवार संभावना रोचे और परवर्त 48 घंटे ओडिशा उपकूल अंचल को यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर संभावना रोचे। बर्तमान छड़ा आम मौसुमी जनित निम्नचाप रेखा जहाँ राजस्थान जैसलमेर बाहरी आमर डाल्टनगंज दीघारू दक्षिण पूर्व दिगरे यह पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर जाए जो लघुचाप क्षेत्र अंचल पर्यंत लंबी यह प्रभाव में जो रोचे मौसुमी जनित निम्नचाप रेखा प्रभाव में आगामी 24 घंटे ओडिशार किसी जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना थी येलो वार्निंग जारी कर डे टू में जितेबाद लघुचाप क्षेत्र ओडिशा उपकूल अंचल को प्रवेश करते बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा और किसी जिला 6 जिले में प्रबल वर्षार संभावना थी येलो वार्निंग जारी कर ये जो लघुचाप क्षेत्र सर्वाधिक प्रभाव आम 26 और 27 तारीख में पड़ेगार संभावना रही। 26 तारीख में ओडिशार अधिकांश स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षा सहित पाखापाखि 5 जिले में अति प्रबल वर्षा अर्थात 12-20 सेंटीमीटर पर्यटन वर्षा गोटे दुई स्थान संभावना रही। पुरी खोर्धा गंजाम गजपति और कंधापाल से 10 जिले में प्रबल वर्षापाई येलो वार्निंग जारी कर छड़ा 27 तारीख में आम दक्षिण ओडिशार जिलागुड़िक वर्षार प्रभाव अधिक रहा।